हैं आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ऐसे मना आजादी है जश्न। भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में मनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ भारतीय बसे हैं, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लोगों ने तिरंगा लहराया। पाकिस्तान की नापाक हरकत किया सीज़फ़ायर उल्लंघन, सेना ने मार गिराए 3 पाकिस्तानी जवान। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आया। पाकिस्तानी सेना ने 15 अगस्त के दिन भी सीज़फ़ायर का उल्लंघन किया। हालांकि सीज़फ़ायर उल्लंघन में पाकिस्तान के 3 जवान मारे गए, वहीं भारत ने पाकिस्तान सेना के उस दावे को झूठा बताया है जिसमें दावा किया गया है कि सीज़फ़ायर के उल्लंघन में भारतीय सेना के 5 जवान मारे गए। लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा किए गए संबोधन में कांग्रेस ने निकाली कमियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 6ठी बार लाल किले से देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के कामों का जमकर बखान किया। उनके कई दावों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हम